कर्नाटक में चुनाव मतलब लोकतंत्र का वो महापर्व जहां पर कर्नाटक के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि किसको वो सत्ता में बिठाएंगे और किसको विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मजबूर करेंगे। और सारे सर्वे, सारे आंकड़े, लोगों का मूड साफ तौर से ये बता रहा है कि लोग 40% की कमीशनखोरी वाली भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताने का मन बना लिया है। लेकिन अब चुनाव रैली है, चुनाव का मौसम गर्मा रहा है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर आकर रैलियाँ कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोग आए। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा कि कर्नाटक के चुनाव का कोई मतलब नहीं है, कर्नाटक को मोदी जी के हाथों में सौंप दो। कर्नाटक कोई खिलौना है या कर्नाटक एक जीता जागता राज्य है जहाँ पर लोगों को हक है ये चुनने का कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए, कैसे लोगों को वो सत्ता में देखना चाहते हैं। उसके बाद वो दो हाथ और आगे निकल गए। उन्होंने कहा कर्नाटक में अगर भाजपा हार गई तो दंगे होंगे। ये भाषा, ये शैली, ये धमकी गृह मंत्री की हो सकती है? ये किस तरह की बातें करते हैं? और आप कब समझिएगा कि कर्नाटक की एक संस्कृति है, परंपराएं हैं, तहजीब है और लोगों को ये हक है कि वो सुनिश्चित करें कि वो किसको जिताएंगे। ये अलग बात है कि जहाँ जहाँ दंगे होते हैं वहाँ पर दंगाइयों को संरक्षण देने का और दंगाइयों को पोषण करने का काम भाजपा करती है। अंततोगत्वा हर दंगाई का लिंक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा पाया जाता है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो देश का दूसरा कोई और कोना हो, बंगाल हो, हर दंगाई का लिंक अंततोगत्वा भाजपा से पाया जाता है। अब आगे की बात करते हैं। उनसे एक आगे स्क्रिप्ट लिखने आ गए योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, नफरत की, विभाजन की, डराने की, धमकाने की। वो तो दो हाथ आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कर्नाटक में यूपी का मॉडल लागू होना चाहिए। कर्नाटक एक जीता जागता राज्य है, ये गुरु बासवन्ना की भूमि है जहाँ पर प्रेम, सौहार्द, शांति की शिक्षा से लोग जीते हैं और ऐसे ही अपना जीवन यापन करते हैं। और कौन से यूपी के मॉडल की आप बात कर रहे हैं? वही यूपी का मॉडल जहाँ पर 2:30 बजे रात को एक लड़की को आप लोग जला देते हैं बिना उसके माँ बाप के मिट्टी का तेल फूंक कर? या वो यूपी का मॉडल जहाँ पर लखीमपुर में एक औरत का चीरहरण होता है? या वो यूपी का मॉडल जहाँ पर शाहजहांपुर में यौन शोषण होता है? या उन्नाव में आपका MLA दोषी पाया जाता है हत्या और रेप का? किस यूपी के मॉडल की आप बात कर रहे हैं जहाँ पर थाने में घुसकर गुंडागर्दी होती है, सरेआम गोलियां चलती हैं, गाड़ियां पलट जाती हैं, निरंकुश पुलिस का जो मन में आता है वो करती है? वो यूपी का मॉडल जहां पर एक पुलिस अधिकारी सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है और उसके मुख्य अभियुक्त को आप टिकट देते हैं चुनाव लड़ने का? या वो यूपी का मॉडल जहां पर लखीमपुर नरसंहार का मुख्य अभियुक्त का पिता आज भी इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है? किस यूपी के मॉडल की आप बात करते हैं? और कब आप ये समझेंगे कि आप एक राज्य को दूसरे पर नहीं थोप सकते? मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश की संस्कृति अलग है, कर्नाटक की भाषा, संस्कृति, शैली, परंपराएं अलग हैं। इसकी इज्जत करना सीखिए। क्यों आप हमेशा थोपना चाहते हैं? क्यों एक ही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं? ये सवाल आज मैं नहीं, ये सवाल कर्नाटक के लोग अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, अपने सम्मान के बल पर पूछ रहे हैं आपसे कि क्यों यूपी का मॉडल यहाँ लागू होगा। अजीबोगरीब बातें हैं। असल बात यह है कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की चार बड़ी वादे हैं, जो हमने वादा किया निभाने का, वो लोगों को समझ में आ रहा है और उसी की बदौलत हम प्रखंड प्रचंड रूप से जीतेंगे। हमारा पहला वादा है 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। हमारा दूसरा वादा है 3,000 रुपये हर उस ग्रेजुएट को दिए जाएं जो बेरोजगार है। हमारा तीसरा वादा है 2,000 रुपये गृह लक्ष्मी योजना, हर औरत को जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको 2,000 रुपये दिए जाए, 500 रुपये का गैस सिलेंडर, और सबसे बड़ा वादा है 10 किलो चावल BPL फैमिलीज को दिया जाएगा। आप इस पर चर्चा करिए ना, आप इस पर बात करिए, रोजगार पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए, कर्नाटक की अस्मिता पर बात करिए। हर बार आकर कर्नाटक की बेइज्जती करना, हर बार आकर कर्नाटक के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना, किसी और मॉडल को यहाँ पर थोप देना, ये कैसे विचार है? ये कैसी संस्कृति है? ये भारतीय संस्कृति तो नहीं हो सकती।